पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है और इसी श्रृंखला में कोराडी स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। श्री महालक्ष्मी कोराडी माता मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। नवरात्रि उत्सव के दौरान मंदिर में 9 दिनों तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। कोराडी माता मंदिर महाराष्ट्र के नागपुर में कोराडी से देवी लक्ष्मी को समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर है। कोराडी देवी मंदिर कोराडी जिले के तट पर स्थित है और नागपुर शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। नागपुर स्थित भारत का प्रसिद्ध जगदम्बा मंदिर, जिसे कोराडी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोराडी मंदिर में भारत के कोने कोने से लोग मां जगदम्बा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से ज्यादातर भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि मां जगदम्बा की मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है और साल में 2 बार ही इस स्वयंभू मूर्ति के दर्शन होते हैं। शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्र उत्सव में स्वयंभू का दर्शन कराया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मां जगदम्बा दिन में 3 बार रूप बदलती है, इसलिए यहाँ पर कोने कोने से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस दौरान महिलाओं से लेकर पुरुष तक 9 दिनों तक माता की आराधना करते हैं। गढ़ की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक विधिवत उनकी पूजा और उपासना की जाती है। पूरे 9 दिनों तक भक्त माता की भक्ति में खोए हुए रहते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में खास व्यवस्था की जाती है। एक तरफ जहां उन्हें लाइटों से सजाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ भक्तों को माता के दर्शन आसानी से हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था भी की जाती है। कोराडी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे उन्हें बिना किसी तकलीफ के आसानी से माता के दर्शन हो सके। नवरात्रि में कुछ ही दिन बाकी है और कोराडी के श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर में अश्विन नवरात्रि उत्सव की तैयारी ने गति पकड़ ली है। 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे इस उत्सव में हर साल की तरह इस साल भी अखंड मनोकामना ज्योत के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है। इस साल कोराडी स्थित माँ जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि माँ का दरबार शांति से बनाया गया है। माँ जगदम्बा के मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखता है और माँ के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल माँ जगदम्बा को पसंद है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते हैं। इसी के साथ यहाँ भव्य अन्य छत्र का भी निर्माण किया गया है, जहाँ हर रोज सैकड़ों लोग महाप्रसाद का लाभ लेते हैं। इसी के साथ ही यहाँ स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंती है। यह मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। भक्तों की आस्था है कि हिंदू जीवन के स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सफलता देवी के दर्शन से ही प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिन्हें संतान नहीं होती है, वो माता के दरबार में आकर पूजा पाठ करते हैं तो माता उनकी मुरादें पूरी कर लेती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।